नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए भारत की सैन्य ताकत की और दुनिया का ध्यान दिलाते हुए अपनी चिंता जाहिर की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है और उनको डर है कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सामने अपने डर का इजहार करते हुए इस ओर ध्यान देने की अपील की। शरीफ ने कहा कि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं के बड़े पैमाने पर बढ़ाने में लगा हुआ है। ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी। सैन्य विस्तार के सिद्धांतों में एक आश्चर्यजनक हमले और एक सीमित युद्ध की परिकल्पना की गई है। ऐसे में विश्व इस ओर देखे। पाकिस्तान के पीएम ने आगे कहा कि भारत ने बिना सोचे समझे आपसी रणनीति संयम के पाकिस्तान के प्रस्तावों को ठुकरा दिया, ये ठीक नहीं है। वहीं भारत सरकार की ओर से अक्सर नियंत्रण रेखा पार करने और पीओके पर कब्जा करने की धमकी दी जा रही है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय आक्रमण के खिलाफ मजबूती से जवाब देगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और रॉयल बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।